नमस्कार, स्वागत करते हैं YouTube चैनल मेडिकेट में। बात करेंगे यूट्यूब पर सीएस से रिलेटेड, ये डेडिकेटेड वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक देखिएगा, सब कुछ क्लियर है। सबसे पहले बात करेंगे डीवी डेट को लेकर, अभी तक नोटिस देखने को नहीं मिला है। नोटिस कब तक देखने को मिल जाएगा, ये लोग काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। देखिए नोटिस का जो सवाल है, मैं आपको बता दूँ, ये नोटिस जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है आपका नोटिस देखने को मिल जाएगा। उसी नोटिस में जानकारी मिलेगी कब से डीवी आपका शुरू हो रहा है, कब डीवी खत्म। कई लोग ये पूछेंगे आपका डीवी कब शुरू हो रहा है। देखिए डीवी जो है आपका जो शुरू होने के जो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस, वो सेकंड वीक में जाएगा और ये जाते जाते थर्ड वीक में भी जा सकता है। तो ये दो वीक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है अप्रैल में, डीवी है सेकंड से थर्ड वीक में किसी भी हालत में करा लिया जाए, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे ये चीज न्यू वैकेंसी को लेकर। कई लोग शंका में है कि न्यू वैकेंसी कब देखने को मिलेगी। कई लोग ये मानते हैं कि न्यू वैकेंसी अभी आ जाए। देखिए अभी पूरा नहीं हुआ प्रक्रिया, यद्यपि कई वैकेंसी देखने को मिल जाती है जिसमें अभी प्रक्रिया पूरा नहीं होता, फिर भी नई वैकेंसी देखने को मिल जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो है अभी प्रक्रिया पूरा होना दीजिए, उसके बाद जो है आपका वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आपकी वैकेंसी होगी वो जो है मोस्ट चांसेस है कि जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट में ये आपके जो है आपका जो है वैकेंसी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ चांसेस हैं न्यू वैकेंसी या जून के लास्ट में आ जाए या जुलाई के फर्स्ट वीक में तक आपको देखने को मिल सकता है, ये चांसेस हैं अभी। अब कई लोग बोल रहे हैं कि अरे आयोग में चलते हैं, कुछ दिन से कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा कि क्या कुछ चल रहा है। देखिए अभी इतना इंतजार कर लिए तो एक वीक और इंतजार कर लीजिए, एक वीक में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपका डीवी कब होगा सब कुछ क्लियर ही होना है, तो अभी इतना दिन वेट कर लिए तो एक वीक वेट करने में क्या ही जाता है। तो ये कुछ अपडेट था यूपीटी प्रोसीएस से रिलेटेड, आप इसके बैलन को दबा दीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू देखने के लिए, जुड़े रहिए एग्जामिनेंट अकेडमी के साथ।